बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आज हम लोग गया जिला के जगन्नाथपुर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई है और निश्चित रूप से बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अभी हत्या का सिलसिला चल रहा है, दीपक पासवान का हत्या किया गया है, उसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। हाँ, यहाँ हम लोग गुरुआ विधानसभा अंतर्गत गया जिला का जो कि ये सुदूर क्षेत्र है, इस गांव में जाने के लिए करीब 400 आबादी है, वहाँ के 400 घर हैं, आबादी अब समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए ना सही से रास्ता है। हम लोग 1 किलोमीटर पैदल चल के गए वहाँ पे, वहाँ की स्थिति बहुत बदतर है, लोग बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं, माने जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिली है। नीतीश जी वहाँ पटना में बैठकर बड़े बड़े दावा करते हैं, दलित महादलित की राजनीति करते हैं, लेकिन दीपक पासवान की जिस तरह से यहाँ पे हत्या हुई, अमानवीय तरीके से मार मार के उसको मार डाला गया, बेचारा वो लड़का 1.5 वर्ष का जब था तभी उसके माता पिता गुजर गए थे, उसके बुजुर्ग दादा दादी ने उसका पालन पोषण किया। आज जब वृक्ष फलने को आया, जब 19-20 वर्ष का वो लड़का हो गया, मजदूरी करता था, अपने बुजुर्ग दादा दादी का भरण पोषण करता था, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको बेरहमी से मारा है। इसकी जांच होनी चाहिए और परिवार को आर्थिक मदद दे करके ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी उसके पीछे लोग हैं, जो उस पर आश्रित लोग हैं, उनका जीवन कैसे चले। इसलिए कुछ जो भी मुआवजा है, जो भी उनका राशि जो मिलता है वृद्धा पेंशन वगैरह, उसको सुनिश्चित किया जाए। और इस गांव में जहां हम लोग खड़े हैं, जहां इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी ना ही कोई शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय है, अच्छा एक तो है लेकिन काम का है और बहुत ज़्यादा आबादी है, जबकि उसमें सुविधाएं भी नहीं है, उस तरह से सुचारू रूप से चलता भी नहीं है, सड़क है ही नहीं, बाकी बिजली और चीज़ का क्या बात करें। तो यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो भी मैंने यहाँ आकर के घर वालों से मिला, बहुत बुरी स्थिति है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात किया, आपने बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी थे उनको बताया भाई कि भाई आप लोग लग करके जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़िए। मैंने ब्लॉक में यहाँ से अधिकारियों से बात करके बोला है कि जो परिवार को जल्द से जल्द सहायता मिलनी चाहिए। और नीतीश कुमार को मैं यहाँ खड़े होकर बोलना चाहता हूँ कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, बस इस समाज की राजनीति कर रहे हैं, इसका वोट बैंक से ले करके और इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो दावा आप वहाँ बैठ करके कर रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया, सब दावे आपके खोखले हैं। आपसे ये राज्य संभल नहीं रहा है। आए दिन रंजीत पासवान, अजय पासवान दो भाइयों की उधर नृशंस हत्या हुई, यहाँ दीपक पासवान की हत्या हुई, चंद्रिका पासवान, रोनूजीत पासवान, लगातार हत्या पे हत्या हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस पे त्वरित कार्रवाई करके उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो यहाँ से हम लेकर के दिल्ली के सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे और आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। धन्यवाद।